वही सुपौल के बकौर और मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे पुल के 3 गार्डर शुक्रवार सुबह गिर गए। इस हादसे में एक मजदूर की भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 से ज्यादा मजदूरों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। 4 अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रही हैं। वही बताया जा रहा है कि पुल का एक हिस्सा कोसी नदी में गिर गया। हालांकि गार्डर जहां गिरे वहां पानी नहीं था। बता दें यह देश का सबसे लंबा पुल बन रहा है जो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर से ज्यादा है। अप्रोच रोड मिलाकर पुल की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर होगी। पुल का निर्माण 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना और बाढ़ के कारण पुल निर्माण का समय बढ़ गया। गाँव सहरसा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पे एक ब्रिज बन रहा था भेजा मधुबनी और बकौर सुपौल के बीच में। उसमें जो सुपौल साइड से गर्डर लॉन्च हो रहा था उसके हमको लगता है कि 25वें 26वें स्पैन में जो गर्डर लॉन्च हुआ था, आज सुबह 7:30 बजे सूचना मिली कि वो गर्डर ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के पश्चात हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए हैं और 11 लोग उसमें से हम लोग रेस्क्यू किए हैं, जिसमें 1 का डेथ हुआ है और 10 इंजर्ड हैं। 10 इंजर्ड में 7 तो लाइफलाइन हॉस्पिटल मिथिला हॉस्पिटल में है, जिससे मैंने जाकर मिला भी हूँ, और वो लोग बियॉन्ड डेंजर हैं। हेड इंजरी नहीं है लेकिन माइनर इंजरी है, और 3 जो है वो उसको सूर्या हॉस्पिटल भेजा गया है। उनका भी डॉक्टर बताएं कि वो भी माइनर इंजरी के लिए थे। इसके अलावा अभी मलबा गिरा हुआ है, ट्रेन हम लोग मोबिलाइज किए हैं बकौर भेजा साइड से। मलबा हटने के बाद फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।